किसके लिए जाम लगा है भाई, इसके लिए इन लोगों को तो रात में चलना चाहिए पर ये लोग दिन में चल रहे हैं। तो गाइस यार ये रहा हमारा नाश्ता और खाते हैं, और फाइनली ये हमारी कंपनी के डब्बा गाड़ियाँ दो आई हैं, हमको सिंगल दिख रहा दो हैं, उसके बाद हमारी गाड़ी। क्या नाश्ता करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं आपसे। अपना नाश्ता यार कंप्लीट हो गया, अब गाड़ी के पास आ गए हैं तो थोड़ा टायर चेक कर लें कि कितना गर्म है और चलने लायक है या नहीं। यार टायर तो अभी ठंडा ही है यार, इसका ऑयल यार ज़्यादा लीकेज हो रहा है, इसका काम करवाना पड़ेगा चल के। और गाइस इस साइड का टायर चेक कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा ये यार गर्म है वाला, ये थोड़ा गर्म है, मेरे हिसाब से धूप से भी गर्म हो सकता है। तो अभी चलते हैं क्योंकि सब ओके है काम, एक बार नीचे झांक कर देख लेते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि नीचे भी झांक के देख लेना चाहिए कभी कभी, क्या मालूम कोई वायर वायर लटका हो। यार सारा चीज़ सही है बस अब ये साइड को ना लॉक करते हैं और उसके बाद ये एटीएम पिन सही से रख देते हैं। यार मेरी सीट इतनी गर्म हो गई है ना, समझ सकते हो यार। चलो फिर निकलते हैं आगे और डीजल लेते हैं। भाई आराम से, ये देखो ट्रक पे लोड हुआ है जैसे भी, नहीं हाँ जैसे भी भाई इस पे लोड हुआ है इंट्रा। भाई फुल एसी में चल रहे हैं लोग, मेरे में तो एसी नहीं है, और आगे यार रोड का काम चालू है भाई। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, इतना क्यों उछाल रही है। अपना पंप आ चुका है, जो सामने आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है ना, वही अपना पंप। आगे से गाड़ी यहीं से मतलब ये डालनी पड़ेगी, उस साइड रॉन्ग साइड में जाना पड़ेगा। गाइस चलते हैं रॉन्ग साइड।
सामने पंप। अरे यार ये भी देखकर पंप पे चलते हैं। उसके बाद ये सामने इधर भारत का पेट्रोल पंप है बड़ा सा, और इस साइड में अपना इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल पे चलेंगे गाइस। चल रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस यार पंप पे आ गए, यहाँ पे देखते हैं ओटीपी हमारी तो पहले से हुई है, और डीजल लेते हैं। फाइनली यार अपना डीजल हो गया 9300 रुपये का। इसमें यार दिखता है, देखो नहीं दिखेगा गाइस, इसमें नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आधा हुआ ना इसके लिए। इसको करते हैं पहले लॉक। यार धुलिया में ना काफी समय से लगा है जाम, तो जाम की वजह क्या है मैं बता रहा हूँ। यहाँ से लगभग 40 मिनट हो गए जाम में फंसे हुए, जब से डीजल भरा के आया है ना तब से। फिर धुलिया डीजल भराया वहाँ से ब्रिज आई, ब्रिज से चढ़ते ही जाम ही जाम। तो जाम का वजह भाई यहाँ पे एक ओडीसी मार जा रहा है जो एक ड्रम रिंग के जैसा है, उसके लिए जाम लगा है भाई। इसके लिए इन लोगों को तो रात में चलना चाहिए, पर ये लोग दिन में चल रहे हैं। देखो गाइस एक बार चीज देखो, तो गाइस ये था ओटीसी मान जो कि मान घोड़ा पे जा रहा है, तो इसके लिए यार जाम लगा है। देख सकते देखे ना पूरा रोड छेक के चला है, कैसे कैसे लगभग निकल रही है गाड़ी का। तो गाइस ये है कुछ हाल, अभी निकलते हैं आगे। तो गाइस यार यहाँ अभी महाराष्ट्र बॉर्डर पे हैं, और यहाँ यार चलान देख करवाएं, और चलान करा के बस निकल रहे हैं। और गाइस यार अभी दो टायर ना मेरे गर्म हो चुके हैं, उसी की यार चेक कर रहा हूँ, क्योंकि दोपहर से नाश्ता करने के बाद लगातार चल रहा हूँ इसके लिए। तो अभी यार लगभग आगे चल के ना वहीं पर रुक के हम भी थोड़ा चाय पानी पियेंगे, और उसके बाद गाड़ी को भी थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और गाइस अभी ना निकलते हैं आगे। तो यार अभी यार महाराष्ट्र का बॉर्डर है देखो, अभी चलो हम लोग निकलते हैं ना आगे, ठीक है। यार फाइनली महाराष्ट्र बॉर्डर से निकल चुके हैं, अब आराम से ना आगे बढ़ते हैं। ये होता है महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ पे होता है काटा सामने जो पीली पीली टोपी दिख रही है, और यहाँ पे पास होता है गाइस। अब यार ये आगे क्या हो रहा है, यार ये एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, ये गाड़ी जा रही है मैं तभी दिखाऊंगा। देखना ये ट्रक वाला पूरा भयंकर पूरा खत्म हुआ है, ट्रक पूरी जो केबिन है ना वो तो केबिन पूरी लॉस है, वो बड़ा वाला कार्टर आ गया मेरे जैसा, नहीं तो आपको दिखाया होता। अभी वो केबिन यार पूरी लॉस है पूरी। अभी हमें सामने घाट है, घाट चढ़ना है, और ये पहाड़ी दिख रही ना, इस पहाड़ी के उस पार जाना है। तो अभी यार टायर थोड़े मेरे गर्म है, इसके लिए कहीं होटल भी नहीं देखा, अभी पहाड़ी चढ़ लेते हैं फिर होटल देखे ना कहीं रोके। यार टायर गर्म है।
अरे चलो फिर धीरे धीरे यार पार करते हैं पहाड़ी को, चढ़ाई चढ़नी है, दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा हिल रहा है यार, रास्ता भी ख़राब है और कैमरा भी हिल रहा है। चलो यार चढ़ाई चढ़ते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो भाई देखो मेरी गाड़ी उस पट्टी पर चल रही है, और टायर देखो कहाँ से आ रहे हैं, पट्टी पे उस पर चल रही है, टायर आ रहे हैं पूरे नीचे से यानी डिवाइडर के सबके। और अभी यार मेरे हिसाब से थोड़ा ही दूर अभी घाट चढ़ा हूँ, अभी घाट चढ़ना पूरा बाकी है, अभी यार बहुत चढ़ना है, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देख रहे हो स्पीड क्या है मेरी गाड़ी की, आरपीएम देखो 15, रुको रुको अभी, हाँ अब देखो आरपीएम 15 है और स्पीड 10, 9, 8, 5, 4 यही स्पीड है, और गियर लगा है 2 नंबर, अब 2 नंबर में 10, 5 के स्पीड में आराम आराम से चल रही है। अब देखो इसका गियर डाउन होगा। अब यार ये पहाड़ी हो देखो, खतरनाक सा व्यू है मस्त, और धीरे धीरे इस पे हम लोग रेंग रहे हैं अभी पीड़े रेंग थे ना आराम आराम से, वैसे ही सारी गाड़ियाँ जा रही है। देखो पता चल रहा है गाड़ी चल रही है, और वैसे आने वाली गाड़ी है तो पूछे मत भाई, वो तो हेलीकॉप्टर के जैसा उतर रही है। अभी दिखाता हूँ आपको, अब ये सब देखो लोगों का हल्का लोड है चल रही है, हमारे में तो 10-10 ट्रैक्टर भरे हैं, अब 10-10 ट्रैक्टर लेके 35-35 टन आ गया, मतलब कहाँ जाएगी गाड़ी इतना लोड लेके, ऐसे ही गाड़ी मार खा रही है चढ़ाई पे। देखो अभी सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करता हूँ, अभी मेरा प्रेशर भी देखो कितना है, आने वाली तो गाड़ी है भाई पूछो मत, आने वाली की स्पीड से आएंगी, फिर उसमें डाउनिंग जाना है, बस वो गाड़ी तो कंट्रोल कर रहे हैं रोक पाए बस, और जब जाने वाली गाड़ियाँ यार पीछे तो जितना धक्का लगाओ जितना धक्का मारो ना उतना कम है। अब ये बसें उससे देखो जा रही हैं, हल्की गाड़ी है जा रही है मस्त, और देखो जैसे हमारी गाड़ी हो गई है साला ट्राना लोड लेके ऐसे ऐसे जा रही है भाई पूछो मत, ऐसे एक बच्चा भी आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये गाड़ी पिकअप बना के आ रही है मस्त, इसको थोड़ा सा जगह देते हैं निकल जाती है। देखो देखो गाइस देखो ये होता है घाट पे, क्योंकि ये उस्ताद थोड़े पिकअप बना के आ रहा है तो भाई को निकलने दो। और ये गाड़ी देखो कैसे जा रही है, इसके चक्के देखो चक्के, गाइस एक बार ये तो बोर्ड दिख रहा है ना बोर्ड, इस पर नजर मारो, ये बोर्ड क्या सिग्नल दे रहा है पता है, ये ध्यान से देखो ये बोर्ड सिग्नल दे रहा है ना कि आगे और चढ़ाई है, और ऐसे खड़ी चढ़ाई है खड़ी, अभी देख भी सकते हो आगे और रास्ता ऊपर ही की जा रहा है, और अभी यार आधा आधा चढ़ गए हैं आधा बाकी है अभी। गाइस गाइस यार जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, देख रहे हो चल यहाँ पे भी बोर्ड मार दिया कि ऊपर चढ़ाई है, और यार थोड़ा बहुत बोर्ड मार दिया करो कि नीचे ढलान भी है नीचे भी करना है, पर ये लोग ना मोटिवेट नहीं करते, ये बोलते ऊपर चढ़ाई है, चढ़ते रहो चढ़ते रहो चढ़ते रहो कर तो रहा। यार इंजन भी 86% गर्म हो गया है देखो, देखा ना 86°C इंदौर यहाँ से अभी 171 किलोमीटर है, और मुझे डर लग रहा है ना थोड़ा सा मेरा टायर गर्म है, क्योंकि होटल नहीं मिला गाड़ी रोकने के लिए, थोड़ा टायर गर्म है यार, टायर और ना फाटे भगवान, बस पार कर दो मैं गाड़ी रोक देता हूँ, बस पार हो जाऊँ
होटल लेके ना मैं गाड़ी तुरंत रोकूंगा गाइस, और रोक के आधे घंटे तक टायर को ठंडा करूंगा, उसके बाद आगे निकलूंगा क्योंकि टायर गर्म है इस टाइम बाद। बस लगभग लगभग ना चढ़ाई हमारी पार हो गई है, वो पॉइंट दिख रहा है ना वहाँ पे लास्ट है। तो घाट यार उतर गए, घाट ना चढ़ गए, उतर नहीं चढ़ गए, अब थोड़ा सा ये डाउनिंग आया है, थोड़ा सा डाउनिंग का भी मज़ा ले लेते हैं। देखो डाउन डाउन तो ऐसे जाती है, बिना गियर की गाड़ी है इस टाइम ना, वो न्यूट्रल लिखा है ना, ये ना आ रहा है ना, तो इसका मतलब न्यूट्रल, और बिना तेल पानी की गाड़ी नीचे जा रही है 50 की स्पीड में। आरपीएम देखो, स्पीड देखो, मस्त आराम आराम से यार गाड़ी उतर रही है, 60 की स्पीड पहुँच जाएगी, ऐसा तो लग रहा है पहुँच जाएगी। यहाँ पे दे दिया यार गो स्लो, उतरने के लिए चढ़ने के लिए नहीं बोला गया, थोड़ा तेज चढ़ेंगे, यहाँ पे बोल दिया गो स्लो। एक्सीडेंट जॉन एरिया भाई, यहाँ पे ब्रेक करना आए तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हो मस्त नज़ारे भाई, ब्रेकर आ गया गाइस, जा मनिया भाई, ब्रेकर का सिग्नल दिया था वहाँ पे, इसलिए थोड़ा ब्रेक दबाएंगे, और वो रहा सामने ब्रेकर, ये रहा, आराम से ब्रेकर पिदा लेते हैं भाई, ओ आराम से यस। गियर लगा लेते हैं 5 नंबर, क्योंकि स्पीड है ना गाड़ी भी, तो ये आराम से चल देगी भाई। इन्होंने तो न्यूट्रल के चक्कर में कुदा दी गाड़ी, उनमें ये दिक्कत होती है ना ये वाले में, आराम से थोड़ा बहुत बैठे ना फूस जाते हैं, और हमारे में भाई यार पाके की तरह चलना पड़ता है। तो गाइस ये है हमारा एमपी का बॉर्डर दूसरा वाला, और महाराष्ट्र पार कर चुके हैं, एमपी का बॉर्डर ये है, और यार यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खतरनाक वाली लाइन लगी है, देखते हैं आज पार हो जाते हैं या नहीं गाइस। और ये आ रही है हमारी कंपनी की गाड़ी जो कि पलिया ट्रांसपोर्ट, गई पलिया ट्रांसपोर्ट, अब हम महावीरा ट्रांसपोर्ट से पहले निपट लें इस लाइन से, बहुत लंबी लाइन है गाइस, बहुत लंबी, देख सकते हो पूरा भरी पड़ी है। एक बार चेक करो गाइस कितनी लंबी लाइन लगी है, और मेरी गाड़ी तो देख के पता नहीं चल रहा यार मैं इतनी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, एक बार देखो यार, मुझे ना देख के ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, और लंबी लाइन तो यार वहाँ तक लगी है, एक बार मेरी गाड़ी चेक करो। धीरे धीरे यार लाइन बढ़ रही है और हम भी बढ़ा रहे हैं, सिंधवा बॉर्डर, सिंधवा बॉर्डर यार सबसे खतरनाक बॉर्डर, गाड़ी करते हैं बंद, यस यस। अब इंतज़ार करते हैं गाड़ी आगे बढ़ने का, फिर फटाक से गाड़ी हम भी आगे बढ़ाएंगे, कैसे देख सकते यार लाइन कितनी लंबी लगी है। तो गाइस ये है यार मानपुर के पहले पड़ जाता है ये घाट, ये इस रास्ते का दूसरा घाट, मेरे हिसाब से तीसरा घाट होगा, यानी यहाँ से मुंबई जाओगे तो तीसरा चौथा घाट होगा। वैसे हम लोग यहीं से यानी मनमार से ना औरंगा वाला रोड पकड़ लेते हैं अहमद नगर वाला, तो हमें ये दूसरा घाट मिलता है यार, अभी ये दूसरा घाट चल रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड और आरपीएम देख सकते हो क्या है क्वालिटी स्पीड और आरपीएम की, गाइस 2 नंबर में आराम से चल रहे हैं, ये दोनों साइड भाई पहाड़ी है, दोनों साइड पहाड़ी, और यार अभी रात के बज चुके हैं 10:30, अभी आराम से ऊपर चल रहे हैं, और अभी कहीं पर देख के होटल खाना खाएंगे, ऐसे भूख लगी है यार, और सर में भी ना दर्द है क्योंकि सोया नहीं ना बढ़िया से,
तो गाइस यार फाइनली यार अभी बज चुके हैं रात के 12:30 और हम आ चुके हैं होटल पे यार। गाड़ी लगा दिया, एकदम थक गया हूँ पूरा यार। पूरा ना पीछे का हिस्सा यानी पेट पूरी दुख रही है। अभी आराम करेंगे, पहले चलते हैं खाना खा लेते यार, क्योंकि सुबह में भी मैं भी खाना नहीं खाया था, नाश्ता करके चल दिया था। फाइनली ये रहा होटल और खाते हैं खाना। खाना खा के फिर यार कंटिन्यू करेंगे, सोएंगे कंटिन्यू सुबह तक।